खुशी के पीछे हम सारी उम्र भागते हैं, मिलती कहाँ है ये खुशी? उसे पाकर जो हमारे पास ना हो, इसे पकड़ के रख सकते हैं क्या? कैसे कैद करके रखें इस खुशी को कि हमारे हाथ से ये फिसल ना जाए? जो हमारे पास है उसमें खुश रहकर, या अपनी नाखुश जिंदगी से कहीं दूर तलाश करें इसे? अपनी नाखुशी के हालात में एक दिन मैं सड़क के किनारे खड़ा था, रोज की तरह काम के इंतजार में, और खुशी खुद चलकर मेरे पास आई अनजान से। कभी कभी दो नाखुश लोग मिलकर एक दूसरे में वो ढूंढ लेते हैं जिसकी तलाश में हम हमेशा होते हैं, थोड़ी सी खुशी। गरीबी दिमाग की उपज है, मेरे दिमाग में मेरी जिंदगी में उतर के देखिए तो पता चलेगा गरीबी क्या चीज है। ये है मेरी बीबी कुलजीत, यहां शुरू होगी हमारी रोज की महाभारत। कितनी कमाई हुई आज? कमाई छोड़ काम भी नहीं मिला आज तो। काम नहीं मिला तो घर कैसे चलाऊं? रोज रोज खाली हाथ लौटोगे तो क्या खान घर चलाऊंगी मैं? परसों दे दिए थे पैसे। हाँ जी हाँ, सारी जायदाद मेरे हाथ में रख दी थी ना आपने तो। महंगाई कितनी बढ़ गई उसका अंदाजा भी है आपको? वो पता है महंगाई का मुझे, तुझे शायद एक कारपेंटर की दिहाड़ी का नहीं पता। वैसे मेरी क्या गलती है, अगर अमीरों के पास महंगी से चीजें खरीदने का तो पैसा है, पर एक मजदूर की दिहाड़ी देने में जान निकलती है। काम कम है मजदूर ज्यादा है, और जिन्ना बन पड़ता है काम करता ही हूँ, तो जिन्ना है उतने में खुश रहना सीख ले बस। पापा मेरे जूते फट गए हैं और मेरे भी। पुत्र जूते की तरफ देखो ही मत, पता नहीं चलेगा फटे हुए, और खुश रहो। क्यों खुश रहो? बच्चों ने संत बनाना है क्या? फटे में खुश रहो, क्या खुश रहे? बच्चों के पास मेरे पास ना ढंग के कपड़े लगते भी नहीं है पहनने वास्ते। बाजार जाती हूँ, दूसरी औरतों को देखती हूँ अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहने, ऑटो में घूमती है, गाड़ियों में घूमती है, जी चलता है मेरा। और इधर मैं 100-200 ग्राम के लिए सब्जी वाली से झिकझिक करती रहती हूँ, तंग आ गई हूँ मैं तांगहाली से। जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इसी डलाक का इंतजार कर रही थी मैं आपकी, जिस चादर में आप पैर रखने के लिए कह रहे हो ना वो चिंदी हो चुकी है, पैर फैलाना तो दूर पैर ढकने के लायक भी नहीं बची। अब उसे क्या ओढ़ूं और क्या बिछाऊं? एक आदमी जो अपनी हकीकत से वाकिफ था, एक औरत वो भी अपनी असलियत जानती थी लेकिन एक बेहतर जिंदगी के सपने देखती थी, एक ऐशो आराम की जिंदगी जहां मांगने से पहले मिले, ज्यादा मिले, हमेशा से वो ज्यादा और ज्यादा पाने की चाह रखती थी। कुलजीत दाल चढ़ा के काम पे चली जाना, रज्जो देख लेगी। हाँ माँ। रज्जो मैंने दाल चढ़ा दी है, देख लेना।
एक दिन आएगा मेरा राजकुमार सफेद घोड़े पे सवार, इन सब से कहीं दूर ले जाए, सब होगा मेरे पास। कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, जो चाहिए ना वो सब खरीद लूं और जो नहीं चाहिए ना वो भी खरीद लूं। एक राजकुमारी को किस बात की फिक्र रज्जू, चल सफेद घोड़े पे राजकुमार। मेरी शादी में तो घोड़े भी नहीं। ठीक ठाक कमा लेता है, सुतार है, अपने ही हैसियत वाला है, लेन देन का भी ज्यादा चक्कर नहीं है, ब्याह भी साजा सा कर देंगे है? चलो चंगा। अपनी औकात समझ, वो कहीं की महारानी नहीं है, तेरी हर इच्छा पूरी हो जाए। मैं कौन से हाथी घोड़े मांग रही हूँ, एक स्कूटी तो मांग रही हूँ, पैदल चल चल के थक जाती हूँ। आपके पास भी तो है मोटरसाइकिल। काम आती है, देर सवेर जाना पड़ता है, माल लाना पड़ता है, जरूरत है मेरी, कोई अय्याशी के लिए नहीं ली मैंने। हाँ तो स्कूटी भी तो मेरी जरूरत है, मेरे काम में आराम हो जाएगा। आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए हम, मेहनत करके रोजी रोटी कमाने के लिए हुए हैं, और जो हमारी किस्मत में अमीरी और आराम होगा ना वो मिल जाएगा। अपनी किस्मत आदमी खुद ही बनाता है, ना कि किस्मत आदमी को। एक पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, और फिर एक दिन किस्मत ने दस्तक दी। वो डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, बुक रैक, विंडोज, सोफा और किचन का भी तो पूरा काम होना है। हो जाएगा जी, हिसाब लगाना पड़ेगा जी, कितना माल आना है। तू तो पैसे की फिक्र ना कर, लेकिन मटीरियल मैनू एवन क्वालिटी का चाहिए है। ये होगा जी माल का खर्चा, ये मेरे काम का अलग से होगा। वो कितना होगा जी? पूरे काम में कम से कम महीना लग जाना है जी, तो तीन बंदे और लगेंगे, कुल मिला के हो जाएगा जी 2.5 लाख हो जाएगा जी। 2.5 लाख? वो चंगा जी, काम शुरू करो, तो कम वधिया होना चाहिए। तुसी चिंता मत करो जी, बहुत अच्छा होगा जी काम। कुलजीत, खोल रही हूँ, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो, ताजमहल बनवा रहे हो क्या मेरे वास्ते? पापा मुझे एक फ्रॉक चाहिए और स्कूल बैग, पापा मुझे एक पेंसिल बॉक्स चाहिए और बैट बॉल, और मुझे ना एक जोड़ी सोने की चूड़ी चाहिए, स्कूटी चाहिए और रुक जा भाई, इतना बड़ा काम कोई रोज रोज थोड़ी आता है, थोड़े पैसे बुरे वक्त के लिए बचा के रखने चाहिए। हम लोग जब भी आपसे कुछ मांगते हैं ना, आपको तभी बचत की सूझने लगती है। 2.5 लाख में 75,000 वर्कर ले जाएंगे, हाथ कितने बचे? 1,75,000। इस तरह पैसे लुटाए ना, फिर वही हाल हो जाने, फायदा किधर? क्यों हो जाने? अब और मेहनत करो, और ठेके लेकर आओ ना, हम आज जो है उसमें अपने मन की नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ पापा दिलाओ ना, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपने नहीं दिलवाया था। हाँ पापा दिलाओ ना। क्या हुआ वीर जी, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं यार, 2 हफ्ते से कोई काम नहीं है, तो फिर वही कहानी, पैसे खत्म, मेरी परजाई की चिक चिक चालू। पहले ही कहा था पैसे बचा लेते, पर नहीं, अब तो स्कूटी चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, फिर से पैसे चाहिए। काम नहीं है तो पैसे कहाँ से लाऊं यार, डाका डालूं कहीं? घूम फिर के जिंदगी का नक्शा वही का वही। Thank you.
कहाँ गई थी? काम से गई थी। काम? कौन सा काम? मेरी सहेली आई है गांव से, उसी से मिलने गई थी। और आप क्यों इतना सवाल कर रहे हो? आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? काम नहीं मिला तो क्या करूँ फिर? जगह तो बदल के देख सकते हो। कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ तो उससे ज्यादा मालूम मुझे। मैं तो सिर्फ सलाह दे रही थी आपको। आपका काम बंद हुआ है लेकिन मेरा दिमाग नहीं बंद हुआ है और ना ही मेरी आंखें बंद हुई हैं। कुछ नहीं बचा है इस घर में, सब कुछ दिख रहा है मुझे। कब तक चलता रहेगा ऐसा? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तू आते ही पैसा पैसा रटने लगी। हाँ तो अगर घर में पैसे नहीं होंगे तो पैसा पैसा ही करूंगी ना। खुश रहो बोल बोल के ना बच्चों का पेट नहीं भरते। तू आराम से जीने देगी मुझे एक घड़ी के वास्ते? पिछले एक महीने से ना आप आराम ही कर रहे हो, खटिया ही तोड़ रहे हो। मुझे ना इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। सतनाम कुलजीत के रोज रोज के तानों से तंग आ चुका था और कुलजीत तंग आ चुकी थी ऐसी जिंदगी से जिसमें हमेशा हर चीज कम ही होती थी, बहुत कम। जी क्या है ये सब? रोज पीने लग गए हो आजकल? काम धंधा पहले से ही नहीं है, ऊपर से नशा और किया जा रहा है। भाई तेरी परजाई दी कड़वी जुबान से तो चंगा ही है नशा, कम से कम उसकी चिक चिक सुनाई तो नहीं देती। वो जो भी बोलती है ना कुछ समझ नहीं आता, होश ही नहीं रहता। और होश ना ही रहे तो अच्छा है, अब तो इसी में सुकून मिलता है बस। नहीं आए माँ? पता नहीं कब आएंगे। आएंगे भी या नहीं रब जाने, कहीं पड़े होंगे दारू पी के। जा रही है? अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। चल अंदर चल, बोलो अंदर चल। मेरे पास तेरे गुलछर्रे उड़ाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है। दारू पीने वास्ते पैसे हैं? दारू तेरे चक्कर में पीता हूँ मैं। अंदर चल इससे पहले कि अपना आपा खोलूँ मैं। चल अंदर चल। सतनाम वीर जी आए थे क्या? अभी थोड़ी देर पहले निकले। कल आए थे क्या? हाँ कल भी आया था। अभी मैं उनके घर से ही आ रहा हूँ, पर जाई जी ने कहा कि पिछले दो रातों से घर ही नहीं लौटे। अच्छा हाँ, इसका मुझे कुछ नहीं पता। वीर जी, ओए चरण, तू इतने की कर रहा है भाई?
दो दिन से आप चौराहे पे भी नहीं आ रहे हो, तो मुझे लगा कोई परेशानी ना हो गई हो आपको, तो घर गया था आपसे मिलने। वो प्रजाई जी ने कहा कि आप दो दिन से घर ही नहीं लौट रहे हो। यही फर्क पड़ता है उन्होंने यार, आऊं ना आऊं, मर जाऊं। हो सकता है उनको कोई फर्क ना पड़े, और ये भी हो सकता है कि आपको भी कोई फर्क ना पड़े। लेकिन वीर जी, आप अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने दो बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं क्या अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा यार, तो जिंदगी है ही ऐसी। हमें लगता है कि हम खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम दुख और तकलीफ के पीछे भाग रहे होते हैं। वो बंदा जहाँ खड़ा है, अगर वो वहाँ खुश नहीं रह सकता ना, उसको जहाँ मर्जी खड़ा कर दे यार, वो खुश रहने वाला नहीं है। मेरी परजाई नू दुनिया जान की दौलत चाहिए यार, और मैं दो वक्त की रुखी सुखी रोटी खा के मजे में जी सकता हूँ। उसमें लगता है कि मैं उसके जिंदगी की खुशी के बीच में रो रहा हूँ, और वो मैनू मेरी जिंदगी दे सुकून दी दुश्मन लगती है। जितना मैं कमाता हूँ वो उसमें खुश नहीं रह सकती यार, और जितना उन्हें चाहिए वो मैंने उन्हें दे नहीं सकता। हूँ बता, कौन बर्बाद कर रहा है जिंदगी? मैं? और जिंदगी चीज ही ऐसी है यार। शरण, हाँ बेटी, सलाह यह नहीं हो सकता कि हमें खुशी के पीछे भागना ही ना पड़े, वो खुद अपने आप चले आए हमारे पास, बिना मांगे बिना बोले। हमें फालतू में, और जैसा उसने सोचा था, एक दिन वैसे ही सतनाम सिंह के पास खुशी खुद चलकर आई। वो चौराहे पर खड़ा था और वो सड़क पार कर बाकी सभी को छोड़कर सीधा उसी के पास चली आई। जी, कुछ फर्नीचर का काम करवाना था, आप करोगे? जी, हम तो पैदा इसी वास्ते हुए हैं, चलिए ना। जी आइए जी। एक डबल बेड बनाना है, एक अलमारी और दो रैक, एक इधर और एक उधर। डबल बेड 6x5? आप बताओ जी, कमरे के हिसाब से 6x5 ही ठीक रहना जी। ठीक है, खर्चा कितना आएगा? एक डॉल बेड, अलमारी से दो रैक, 7,000 मटेरियल था, 5,000 लेबर था जी। 4-5 दिन लग जाने लेबर के। ठीक है जी, आप काम शुरू कर दीजिए। उन पैसे मिल जाते थे आज ही माल ला के काम शुरू कर देता जी मैं तुरंत। चाय पीजिए।
सुनिए, चाय पीजिए। डेढ़ बज गया जी, खाना खा के आता हूँ, ढाई बजे तक लौट आऊंगा। सुनिए जी, आप यहीं खा लीजिए, मैंने खाना बना लिया है, दो लोगों के लिए काफी रहेगा। मुस्कुरा के एक प्याला चाय दे दे, कोई हंस के दो रोटियां परोस दे, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन असल में इसके अलावा चाहिए क्या होता है जिंदगी में। बात है, सवेरे गए और आते वापस भी आ गए, पहले तो 3-3 दिन तक घर वापस ही नहीं आते थे। तो आखिरकार तनु मेरी फिक्र होने लगी, मैं 3 दिन तक घर नहीं आता। फिक्र नहीं हुई है, मैं तो ये सोच रही हूँ आज दारू गटक के भी नहीं आए हो, खुश भी लग रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। मेरी खुशी से चिड़ मचती है ना तनु? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई जो तुम्हें खुश रख रही है। क्यों भेजा चाट रही है मेरा, शांति से सोने दे। थोड़े नाल कोई रहना नहीं है जी? नहीं, कभी किसी को यहाँ देखा नहीं इसलिए पूछ लिया। जी, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, परिवार नहीं है, अनाथ हो, बच्चे हुए नहीं। आप अकेले इतना सब कैसे संभालती हैं? जब मेरे पति छोड़कर गए थे तो कुछ पैसे दे गए थे, ये घर किराए पे ले लिया, कोई काम शुरू करने का सोच रही हूँ, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का सोच रही हूँ, मिल जाएगा, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, खुशियां भी मिल जाएंगी, फिर से एक ना एक दिन। जा रहा हूँ जी, कल फिर आता हूँ।
ओए की हाल है? अरे वीर जी, आपको ऐसे देख के अच्छा लग रहा है। तो की मतलब है? बड़े खिले खिले से लग रहे हो। वो प्रजाई जी मिली थी कल, कह रही थी कि आजकल आप फिकर नहीं जाते। हाँ छोड़ दी यार, जिंदगी में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ का तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। क्या कुछ तो है? मतलब कोई और मिल गई है क्या वीर जी? मतलब वो राम कह रहा था कि आपको किसी औरत के साथ देखा है, और वो परजाई जी नहीं थी। चरण, कभी कभी आप जहाँ जिस चीज़ को ढूंढते हैं ना, वो वहाँ नहीं मिलती। लेकिन अगर उसका मिलना आपके नसीब में होता है, तो खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। नहीं समझा ना? नहीं समझे? अभी बस तू इतना समझ ले कि मैं खुश हूँ जिंदगी में। मैंने कभी सोचा नहीं था जो डॉल बेड मैंने थोड़े वास्ते बनाया वो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी लेके आएगा। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं आप तक चलकर आऊंगी और मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएंगी। रश्मि, कहीं कोई तो होगा जिसने हमारा मिलना तय किया होगा। आप हमेशा के लिए मेरे नहीं हो सकते। मेरे पास आ जाइए, जब आप शाम को जाते हो ना तो सब कुछ बहुत खाली सा लगता है। आप यहीं रुक जाइए। मुझे बता के जाते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और अगर मैं किसी काम से बाहर चली जाती हूँ ना और मेरे पीछे से वो... ये मेरा भाई है सतनाम सिंह। हम इसका फोटो अखबार में दो दिन से छपवा रहे हैं, अब देखा तुमने? हमें 27 नवंबर को सुबह सुबह उसकी बॉडी मिली थी और आज 30 नवंबर हो चुकी है। हाईवे के पास एक खड्डे में उसकी लाश मिली थी। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई फोन वगैरह कुछ भी नहीं। मौत गला काटने की वजह से हुई, हो सकता है एक से ज्यादा लोग शामिल हो। दोनों हाथों पर झड़प के निशान, मतलब एक ने पीछे से पकड़ा हो और दूसरे ने गला काटा। मौत का वक्त 12 घंटे से ऊपर। हमने हर पुलिस थाने में मिसिंग उनकी घर वाली। कई बार वो कई कई दिन तक घर वापस नहीं आते थे काम की वजह से या किसी और वजह से, पता नहीं, और कुछ बताते भी नहीं थे। मैंने नहीं सोचा था कि इस बार उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। हमें लाश के पास कोई मोबाइल नहीं मिला, क्या वो मोबाइल रखते हैं? नंबर बताइए। पोस्टमार्टम के हिसाब से 26 नवंबर की रात को उनकी मौत हुई।
आपसे आखिरी बार मुलाकात कब हुई? उसी दिन शाम को घर आए थे। उसके बाद वो कहाँ गए? मुझे नहीं पता, कुछ बता के नहीं। आप उनके सगे भाई हैं? जी, छोटा भाई हूँ। वो कई दिनों तक घर से बाहर रहता था, क्या वजह थी? बस में अनबन थी, ये बात पक्की है। अनबन की वजह क्या थी? परजाई जी को लगता था कि वीर जी कम पैसा कमाते हैं, और वीर जी को लगता था कि वो सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी रहती थी। और लेकिन सतनाम को मारकर उसे कहाँ से पैसे मिलने वाले थे? पता नहीं जी। सतनाम के मरने से और किसको फायदा हो सकता है? जी, वो मेरी तरह कारपेंटर ही थे, एक गरीब दिहाड़ी करने वाला मजदूर। मुझे नहीं लगता उनको मार के किसी को भी कोई भी फायदा हो सकता है जी। जब वो घर नहीं लौटा तो तुम उसे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ गए? पहले उनके घर गया था जी, फिर दारू के ठेके पे गया था। वो शराब पीता था? जी हाँ, पीने लग गए थे बीच में। जब घर के झगड़े और रोज के खिचखिच से वो ज्यादा परेशान हो गए थे। सर, सतनाम के मोबाइल में जितने भी नंबर्स मिले सब उन्हीं लोगों के हैं जिनके साथ वो काम करता था। एक दो क्लाइंट्स के भी हैं, पर ज्यादा नंबर्स नहीं है। आखिरी लोकेशन क्या है? हाईवे के पास। तो क्या फायदा होने वाला था? साहब जी, उसका भाई चरण भी यहाँ आया था पूछने के लिए। उसे भी मैंने यही बताया था कि पहले सतनाम यहाँ लगातार आता था, और शायद उस वक्त बहुत दुखी था वो सर। फिर बाद में उसने यहाँ आना बंद कर दिया? अभी काफ़ी टाइम से नहीं आया था। अचानक उसने आना बंद क्यों किया? अब मैं कैसे बताऊँ, हो सकता उसकी तकलीफ कम हो गई हो, या उसे ऐसी खुशी नसीब हो गई हो जो उसे अभी तक ना मिली हो। क्या वजह हो सकती है? वो अपनी बीवी से नाखुश था, क्या उसे कोई और औरत मिल गई? लेकिन सर, अगर कोई दूसरी औरत भी थी तो वो उसे क्यों मारेगी? हो सकता है उसकी परेशान बीवी इस दूसरी औरत के बारे में जानकर। ये वही औरत थी जो लगभग 2 महीने पहले आई थी। उसे कुछ फर्नीचर का काम करवाना था तो सतनाम भाई को अपने साथ काम पे ले गई। जी, कुछ फर्नीचर का काम करवाना था, आप करोगे? चलिए ना। मतलब वो सतनाम की क्लाइंट थी? जी, वो औरत सीधे वीर जी के पास गई थी। हाँ जी साहब जी, कई सारे लोग खड़े थे लेकिन वो औरत काम की बात करने सीधे सतनाम पाजी के पास गई और उनको काम के लिए अपने साथ ले गई। इतने सारे लोग खड़े थे लेकिन फिर भी वो सीधे सतनाम के पास गई? जी, हो सकता है सतनाम को पहले से जानती है? जी, ऐसा नहीं है। सतनाम की लोकेशन घर के अलावा एक और जगह बार बार आ रही है, लगता है उसने वहाँ काफ़ी वक्त बिताया है। वो जगह है गोविंद नगर। गोविंद नगर, हो सकता है ये औरत वहीं कहीं रहती हो। सर, सतनाम को कोई मिल गई थी जिसके साथ वो खुश रहने लगा था, लेकिन क्या कुलजीत को भी कोई मिल गया था? और कुलजीत सतनाम को रास्ते से हटा देना चाहती थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो दोनों ही इस मामले में एक दूसरे के बीच में नहीं आ रहे थे। उनका झगड़ा तो पैसों को लेकर था। और सर, पैसे तो सतनाम के पास थे ही नहीं, तो फिर उस दूसरी औरत को सतनाम को मारकर और क्या हासिल हो सकता था?
साहब यहाँ 80 मकान हैं, जुलाई के महीने में किसके घर में फर्नीचर का काम हुआ हो ये बताना तो मुश्किल है। साहब हमको क्या पता, यहाँ गांव में रहने वाले लोगों से पूछो तो शायद पता चले आपको। B24 में पता कीजिए, वो यहाँ पीछे वाली गली में ही है। वहाँ एक नया किराएदार आया था, फर्नीचर बनाने की आवाज भी आती रहती थी पहले। साहब ये तो वही औरत है जिसको मैंने सतनाम भाजी के साथ होटल में देखा था। जी साहब ये वही औरत है जो उस दिन चौराहे पे आई थी और वीर जी को अपने साथ में लेके गई थी। जी कुछ फर्नीचर का काम करवाना था, आप करोगे? उस औरत का फोन डिस्कनेक्टेड है। कब से? काफी टाइम से। इसका मतलब है इस औरत ने जानबूझकर अपनी मकान मालकिन को वो नंबर दिया जो काफी देर से बंद था। दाल में कुछ काला है। एक काम करो, इसकी कॉल डिटेल निकलवाओ, हो सकता है उससे कुछ सुराग मिले। सर मैं नहीं जानती इसे, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यही है जो सतनाम को काम करवाने के लिए अपने घर ले गई थी, शायद यही वो औरत है जिससे सतनाम को खुशी मिल रही। लेकिन ये उसे मारेगी क्यों या मरवाएगी क्यों? सर ये तो मेरा ही एड्रेस है। आपका ये एड्रेस दिया है रश्मि कौर ने अपने रेंट एग्रीमेंट में और लिखा है कि ये उसके पति का घर है। अब मैं किसी रश्मि कौर को नहीं जानता हूँ, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मंजीत सर ये मेरी धर्मपत्नी है और मेरी सिर्फ इससे ही शादी हुई है। क्यों या जी? और कुछ नहीं, किसी और ने 420 सीखे, लेकिन तू चिंता मत कर। सर रेंट एग्रीमेंट में रश्मि ने फर्जी पता दिया। मुझे तो इसकी हर बात फर्जी लगती है। जिस महीने इसने मकान किराए पे लिया उसी महीने ये सतनाम से मिली। जिस दिन सतनाम की लाश मिली उससे अगले ही दिन इसने घर छोड़ दिया। इसका पति इसको छोड़कर चला गया, मुझे तो ये कहानी भी झूठी लगती है। लेकिन सर इसने इतना सब सिर्फ सतनाम को मारने के लिए किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पास आए। मैं भी। आपकी बीवी आप पे शक नहीं करती? शक तो करती है लेकिन परवाह नहीं करती। चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? कहीं भी, कहीं बाहर। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ आपके साथ। रश्मि नाम है उसका। जी मुझे नहीं पता, मुझे बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, हर किसी का नंबर याद रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं मुझे याद नहीं है। 5 कॉल्स? हाँ आए होंगे, हो सकता है किसी सर्विस प्रोवाइडर्स का कॉल हो। जी नहीं मुझे ये नंबर याद। जी हाँ रश्मि कौर, रश्मि नाम। जी हाँ रश्मि नाम, रश्मि नाम है उसका। हाँ जी रश्मि नाम। सर रश्मि कौर ने जितने भी कॉल्स किए हैं उनमें से कोई भी उसे नहीं जानता। इस रश्मि को पंकज अच्छे से जानता है। ये पंकज है कौन और रश्मि को कैसे जानता है? पंकज जी साहब, साहब लेकिन साहब साहब रश्मि ने किया क्या है साहब? कॉल गर्ल? ये कॉल गर्ल रश्मि मिलेगी कहाँ?
तुम्हें किया गया है साहब? मर्डर। क्या वो ऐसा नहीं कर सकती साहब? ये जो आंखें फाड़ फाड़ के रिएक्शन दे रहे हैं ना, इसको अंदर रख और जो अंदर है उसको बाहर निकाल। बोल रश्मिका। साहब मैं सच बताता हूँ, मैं रश्मि का एजेंट हूँ, लेकिन पिछले 10 दिनों से पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। मैं खुद परेशान हूँ कि ये चली कहाँ गई। वो धंधा नहीं करना चाहती क्या आप? हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी। बोल रश्मिका। माँ का समसाब, मैं कुछ नहीं जानता। इसका मर्डर किया उसने? सतनाम से, कारपेंटर। सतनाम से कारपेंटर, कुलजीत कौर का पति। तू जानता है उसे? हाँ बिल्कुल, रश्मि भी जानती है उसे, कुलजीत भी अच्छे से जानती है रश्मि को। खुशी नहीं थी, ये खुद चल के सतनाम के पास आई थी, और ना ही किस्मत थी, वो एक साजिश थी, एक चाल था। अभी क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझा देते हैं। वो औरत जो सीधे चलकर तुम्हारे पति के पास आई थी, वो कोई क्लाइंट नहीं थी, जिसका काम तुम्हारे पति ने किया था। क्लाइंट तुम थे, जिसके लिए रश्मि ने सारे काम को अंजाम दिया था। शक तो हमें पहले से था, लेकिन इस दूसरी औरत के एंगल ने हमें भटका दिया था, और इसे भटकाने में रश्मि ने बड़ा अच्छा काम किया था। इनफैक्ट तुमने रश्मि से बड़ा अच्छा काम करवाया। नाम नाखुश था, रश्मि उसकी नाखुशी की वजह जानती थी, और तुमने सतनाम को इसी खुशी और नाखुशी के जाल में फंसाकर मरवा डाला। बहुत खुश है वो मेरे साथ। 26 नवंबर को अपनी सहेली की मेहंदी पे जा रही हूं मैं, रात को 11:30 बजे तक लौटूंगी। वो मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए तरसने लगा है, मैं उसे घर बुला लूंगी। फिर तुम्हारा बाहर जाने का मन करेगा, उसे हाईवे की तरफ ले जाना। नदी का पुल पार करके एक मैदान है, खुला आसमान है, खुली हवा है, खुली हवा का बहुत शौक है उसे। ठीक है, बाकी का इंतजाम मैंने कर लिया, दो लोग तैयार हैं। ठीक है। रश्मि सतनाम को लेकर बाहर गई, जहां दो लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वो दो लोग कौन थे? होशियार सिंह और प्रकाश सिंह। मैंने उन दोनों को सुपारी दी थी, वो दोनों पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं। तुमने अपने पति को मरवाने के लिए तो हिस्ट्री शीटर्स को एलिजी। आपके पति बड़े अमीर होंगे ना? जी नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। फिर ना आपके बाबूजी बड़े अमीर होंगे। जी नहीं, मैं तो अकेली रहती हूँ। मैं ना आपको रोज देखती हूँ, अच्छे अच्छे गहने पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो इन सब के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? मैं खुद कमाती हूँ। मुझे उसकी हर चीज पसंद है, मुझे भी वो सब पाने की इच्छा होती, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं उससे पूछती रहती थी, मुझे भी बहुत पैसे कमाने थे, और फिर एक दिन उसने मुझे बताया। इस बात की फिक्र रख जाओ,
लेकिन वो कोई घोड़े पे सवार राजकुमार नहीं था। वो एक गरीब आदमी था, बहुत दुखी था, फिर भी उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि अपनी खुशी के लिए तुम्हें रास्ते से हटा दे। वो जो मुझे चाहिए था वो तो दिला नहीं सकता था, लेकिन जो मैं खुद हासिल करना चाहती थी उसमें रास्ते का रोड़ा बन रहा था। मेरा दिन सच समझ के स्कूटी से घूमती रहती, पता नहीं कहाँ जाती है, और कोई बंदा दिखता है तो बोलती है उधार चुका रहा था। अब मेरे पे शक कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? वो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा था। आ जा रही है? अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। चल अंदर चल। मैं उसे कैसे बताती कि वो लोग मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि उनसे तो मेरी कमाई हो रही थी। उनके साथ वक्त गुजारने की वो मुझे पैसे देते थे, ये बात एक पत्नी अपने पति से कैसे कह सकती? लेकिन एक पत्नी अपने पति की जान ले सकती है ताकि वो उसके धंधे के बीच में ना आए। हाँ, वो वैसे भी अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला था, हम दोनों ना खुश थे, और मैं जो खुशियां हासिल करने की कोशिश कर रही थी ना वो मुझे हासिल करने दे रहा था और ना। और तुम्हें क्या लगा उसे मारकर तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस मिल जाएंगी? तुम उसे मार दोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार पाओगी। तुम चाहती तो उसे छोड़ देती, फिर जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजारती, खुद भी जीती और उसे भी जीने देती। सुख की तलाश में तुमने अपने पति की जान लेकर अपनी जिंदगी को और भी दुखी कर लिया। कत्ल में कुलजीत के दोनों साथी होशियार सिंह और प्रकाश सिंह एक हफ्ते बाद पकड़े गए। तीनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इन पर कत्ल के लिए दफा 302, सबूत मिटाने के लिए दफा 201 और साजिश के लिए दफा 120 बी लगाई गई है। सतनाम को फंसाने के लिए कुलजीत ने जिस औरत रश्मि को हायर किया था वो अभी तक फरार है। कुलजीत के बच्चों की देखभाल सतनाम के भाई बहन कर रहे हैं। सतनाम के हालात ने उसकी खुशियों की तलाश को एक रूप दिया और कुलजीत की हकीकत से दूर भागने की चाहत ने उसकी खुशियों की तलाश को अपना एक अलग रूप दिया। कुलजीत ने सतनाम का कत्ल करवा के बहुत गलत किया। क्राइम नेवर पेस, जुर्म से कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता। वो गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो चीजें नहीं थी जिनके वो सपने देखते थे, जिन्हें वो पाना चाहते थे, ये था उनके दुख का कारण। अक्सर लोगों के दुख का कारण यही होता है। जब हमें लगता है कि हम इतना ही हासिल कर सकते हैं और हमारे हालात से बाहर निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर जय क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।